मैं ज़्यादातर तो मध्य प्रदेश में रहता हूँ, मगर पिछली बार जो 5 तारीख को प्रोग्राम था भाईचंद से आजाद के लिए जो राष्ट्रीय लेवल प्रोग्राम किया था, मगर उसी दिन हमने भी मध्य प्रदेश के सागर जिले में बड़ा प्रोग्राम किया था भाईचंद से आज़ादी के लिए। और आज भी हम लोगों का राष्ट्रीय संगठनों के साथ कोरेगांव पूर्वा कोरेगांव के लिए चंद्र भाई के लिए युवा बंद का ऐलान किया हुआ है, मगर हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पे आते आज, मगर क्या है कि ट्रेन है बहुत लेट है, रात को हम लोग ट्रेन में रहे, मैं भी अभी खुश हूँ और हमारे बहुत सारे 300 साथी अभी स्टेशन पर ही है, आनंद विहार से ट्रेन लेट थी, रात को 1 बजे ट्रेन पहुँची। तो मैं कहना चाहता हूँ इस प्रशासन से, इस सरकार से, जो हमारी कभी नहीं हुई, ना बीजेपी हमारी थी और ना कभी कांग्रेस हमारी थी। मैं उन दलालों को भी कहना चाहता हूँ जो बीजेपी और कांग्रेस में हमारे समाज के लोग घुसे हुए हैं और जो उनकी चमचागिरी उनके तलवे चाट रहे हैं और अपने समाज पर अत्याचार का बराबर उनका साथ दे रहे हैं। साथियों, जो 1 जनवरी नए साल वाले दिन भीमा कोरेगांव में जो घटना हुई है वो बहुत दुखद घटना है। चलो दूसरा एक बात का वो भी है कि चलो हमारे समाज जो अशिक्षित समाज है, जो आदिवासी समाज है, जो पिछड़ा दलित समाज है, जो आज भी मूर्ति पूजा में फंसा हुआ है, जिनको कोरेगांव का इतिहास पता नहीं था, इसी बात से उनको पूरे कोरेगांव का इतिहास तो पता लगा। आज पूरे भारत में जो शौर्य दिवस के बारे में पूरे भारत में बच्चे बच्चे भी जुबान पे हैं। तो साथियों यही है कि भीम आर्मी चंद्रशेखर भाई चंद्रशेखर एडवोकेट जी के लिए अभी हम लोग रीवा में 12 जनवरी को बड़ा प्रोग्राम है हमारा और मैं उसकी तैयारी में, कल मेरा भी सिंगरौली में भी हमारा सिंगरौली जिले में हमारी बड़ी रैली है। हम लोग लगातार भारतीय जी के नेतृत्व में लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। ये नहीं सोचिए कि हम भारतीय जी दिल्ली में लड़ रहे हैं तो खाली दिल्ली में लड़ाई चल रही है, मगर इसके साथ साथ भारतीय जी लड़ाई पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ में पहुंच गए हैं और लगातार हम लोग प्रयास करेंगे भाई चंद्रशेखर से वहां से हटाई जाए और सरकार से हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने तय किया कि 12 जनवरी को हम लोग रीवा में बड़ा एक पूरा घेरा करेंगे 10-15 हजार लोग जाके और पूरा रीवा दोबारा बंद करेंगे। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी खूब दी जान से लड़िए, अब झंडे का समय नहीं है, झंडे आप जब झंडा लेके जाते झंडे के साथ एक डंडा जरूर लेके जाए। राष्ट्रीय दलित महासभा की निशानी है डंडा, और सब लोग जानते हैं राष्ट्रीय दलित महासभा में 80% बहने हैं, 80% महिला है राष्ट्रीय दलित महासभा में, और सबके हाथ में मोटे मोटे डंडे रहते हैं, जब वो डंडे लेके जाते हैं पुलिस वाले करते हैं कि भाई कहीं हमारी पिटाई ना करते। तो मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे वो अनपढ़ आदमी हो, चाहे वो अशिक्षित आदमी हो, अगर चाहे वो गांव का हो चाहे शहर का हो, आज से ही अपने हथियार तेज कर ले, इसके बाद चाकू धार लगा ले, तलवार धार लगा ले, अब वो समय आगे लड़ने का तो समय नहीं है चुपचाप बैठने का, क्योंकि अब आप लड़ाई आप पार्टी लड़ाई बात हो रही है, अब आपने सामने की लड़ाई है, वो 3% लोग हमारी छाती पे चले हुए और हम लोग चुपचाप उनका उनसे डरते जा रहे हैं, अभी डरने का समय नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि समय आगे